हेलो फ्रेंड्स, आज तो सुबह सुबह सरप्राइज़ मिल गया। एकदम से मौसम बदल गया था, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। खैर, हम दोनों ने डिसाइड किया वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि बारिश में ट्रैफिक में फंसने का हमारा बिल्कुल भी मूड नहीं था। खैर, आज मुझे बनाने थे राजमा, उसको मैंने ओवरनाइट सोक कर दिया था। तो बस सुबह उठ के उसको पहले मैंने उबाल लिया था पानी डाल के, और साथ ही में डाल दिए थे कुछ साबुत मसाले। खैर, मॉर्निंग वॉक तो मेरी आज मिस थी, लेकिन मौसम इतना अच्छा हो रहा था, इतनी ठंडी हवा चल रही थी, तो बस मौसम को थोड़ा इन्जॉय करने के लिए मैं चली गई बालकनी में। ठंडी ठंडी हवा और ऊपर से बारिश, लेकिन नीर और उसके पापा अभी भी सोए हुए थे। नीर, बेटा उठ जाओ प्लीज़। चलो उठोगे, अब बारिश आ रही है सुबह से, उठोगे तब आज ही छुट्टी है, फिर कल एग्ज़ाम है इंग्लिश का। चलो उठो, मोबाइल दो उधर। चलो उठ जाओ, दोनों उठ जाओ, बस बहुत देर हो गया। फाइनली दोनों उठ के रेडी होने चले गए और मैंने स्टार्ट कर दिया राजमा बनाना। बनने वाले हैं बेटा, 10-15 मिनट और लगेंगे। इसकी फुल रेसिपी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। लो भाई, आपको कहना था मेडिटेशन करवा दूँ, क्योंकि मैं योगा तो कर दूँ तो मैं थक जाता हूँ, जिससे मेरे पैर दर्द करते। तो मेडिटेशन से आराम मिलता है क्या? हाँ। सो जाते हो उसमें? सो जाती हूँ, मज़ा सा। ठीक है मैम, मैं बोल दूंगी मैम। अच्छा, अपनी बेटा बुक्स कॉपीज ले आओ, मैं आपको बता देती हूँ क्या करना है। ठीक है, आप करते रहना, फिर बीच में मेरे पास टाइम लगेगा तो मैं आपसे सुन लूंगी। ठीक है, बात सुनो, एक बार तो करोगे ना ग्रामर की? बुक ही नहीं खोलोगे ग्रामर की? ग्रामर लर्न करने की चीज नहीं है, नर्सरी के बच्चों को जरूरत होती है। ऐसे नहीं होता, नहीं होता है। मेरी बात सुनो, बुक तो खोलोगे, ऐसे नहीं कि बुक ही नहीं खोलोगे ग्रामर की? बुक थोड़ा सा खोल के देख लिया था। हाँ तो अब ऐसे नहीं होता बेटा, एक बार मैं तो सुनूंगी, कंसेप्ट तो समझूंगी आपसे। आप ना ये एक ईमेल राइटिंग करो, राइट ईमेल टू अ फ्रेंड टेलिंग अबाउट योर फेवरेट फूड। ये मैं जब मेरे पास टाइम होगा बेटा मैं तभी सुनूंगी, अभी मेरे ऑफिस का इंपॉर्टेंट चीजें चल रही है, अभी नहीं मैं पूछ सकती। कोई नहीं, थोड़ा सा पानी गिर गया, नहीं इतना अभी वही कर लो आप। हाँ, ईमेल के बाद क्या करना? ईमेल के बाद मेरे पास थोड़ा टाइम बीच में निकल जाएगा तो मैं आपसे पूछ लूंगी। पूछने के बाद क्या करना? पूछने के बाद थोड़ा टीवी देख लेना, एंजॉय कर लेना, फिर योगा क्लास शुरू हो जाएगी। घर में राजमा बने हो और हम राजमा चावल ना खाएं, ऐसे कैसे हो सकता है? तो बस लंच में सबने खाए अपने ऑल टाइम फेवरेट राजमा चावल, और शाम को हो गया था नीर को योगा से पिकअप करने का टाइम। पढ़ाई कितनी करा रही हो? कितनी क्या करा रही? मैंने एक घंटा खेली थी गेम, तो एक घंटा बाकी, एक घंटा भी खेल लेता हूँ। मैनर्स हैं ये क्वेश्चन पूछते हुए भी? ये पूछना भी अलाउड नहीं होता पेपर में। शाम को हो गया था टेस्टी सी अदरक वाली चाय पीने का टाइम और नीर का हॉट चॉकलेट मिल्क। ये आपकी चिड़िया, वैसे आपकी भी ना बहुत खूबसूरत चिड़िया नहीं है? मेरी चिड़िया देखो, टीवी से देखो, मेरी तो बहुत ही गंदी चिड़िया बनी है। टीवी से देखो, आपको खिलाना पड़ेगा, ले लो। क्या प्रॉब्लम है आपको खिलाना? 23 साल पहले फर्स्ट में लिखी आपने ये? मम्मी आप अच्छी, वो क्यूट मॉम, ट्यूसडे को आप मटर पनीर बनाओ, बनोगा तब भी आपको मटर पनीर की पड़ी रहती थी। आई लव माय कार्टून लाइक। और भी डायरीज थी नहीं, और डायरी भी ढूंढना। ठीक है, चलो इधर सुनो, इधर आओ, जरा इधर सुनो, क्या करा है आपने? इधर आओ, क्या करा है आपने? क्या करा आपने ये वर्कशीट जो करी आपने, क्या करा आपने? वर्कशीट की एक भी आंसर नहीं गलत किया आपने, सारी वर्कशीट ठीक करी है। वेरी गुड, थैंक यू, पर ये बहुत बढ़िया, वेरी गुड, इम्प्रेसिव। आपने पैशन बोला था इसीलिए मैंने फटाफट से ऑर्डर कर दिया, क्योंकि आपने बोला था मेरा पैशन है। हाँ तो अभी रुक जाओ, मैं आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि बेटा प्लीज़ कुछ अच्छे से स्केचेस बनाओ, आपके बहुत अच्छी आपकी ड्राइंग है, तो प्लीज़ उसको वेस्ट मत करो। ठीक है, आपने कहाँ निकाली? मैंने तो अलग रखी हुई थी कि पढ़ाई फिनिश कर लोगे उसके बाद मैं आपको दूंगी। मैंने आपने निकाल ली, दिखाओ। चलो हाँ, ये भी सही चीज़ लग रही है मेरे को, मेरे को अच्छी लगी, मैं देख चुका। पापा को कोई मतलब नहीं है, सुनो। हेलो, देखो कुछ होश ही नहीं है, कुछ भी पढ़ाई वढ़ाई बेटा सब चलती रहती है। अगर आपके अंदर ये चीज़ आपका पैशन है तो आप इसको ज़रूर करो, ये गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं। हर मेरे को बोल दो स्केच बनाने के लिए, मेरे को बोलो, मेरे को कुछ भी नहीं आता बनाना ड्राइंग में, तो पुअर ड्राइंग है मेरी, प्रैक्टिस भी नहीं, मेरी ड्राइंग सबसे पुअर थी, मैं नहीं बना सकती थी। सुन तो ना, अगर मेरे आने से पहले पेंसिल्स आ गई तो मैं स्केचिंग करूंगा बाद में भी आई तब भी।
आज तक काफ़ी टफ डे, क्योंकि नीर को लगता है कि इंग्लिश पढ़ने की चीज़ नहीं है, उसको एंगेज करना वॉज अ बिग टास्क। खैर ऐसे ही रहा आज का हेक्टिक सा डे।